हरियाणा की मनोहर लाल सरकार और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार एक दूसरे पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही, फिर चाहे वो पराली का मुद्दा हो, ऑक्सीजन सप्लाई का मुद्दा हो या फिर वैक्सीनेशन का। इन दोनों पड़ोसी राज्यों में हमेशा टकराव की स्थिति बनी ही रहती। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वे केजरीवाल सरकार को वैक्सीनेशन पर जवाब देते हुए दिखाई दिए, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया और ट्वीट कर लिखा कि खट्टर साहब, वैक्सीनेशन से ही लोगों की जान बचेगी, जितनी जल्दी वैक्सीन लगेगी उतने लोग सुरक्षित होंगे, मेरा मकसद वैक्सीन बचाना नहीं लोगों की जान बचाना है। इस पर सीएम मनोहर लाल ने अपने बयान को सही ठहराते हुए कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि वैक्सीनेशन जल्दी जल्दी नहीं करनी चाहिए, जितना स्टॉक उपलब्ध है उसके अनुसार वैक्सीनेशन होना चाहिए। आज भी दे रहा है, जो आज देगा वो आगे भी लगेंगे। वो ड्रामा करने के लिए क्या किया, कल से मेरे वैक्सीनेशन सेंटर सारे बंद। क्यों बंद? क्योंकि मुझे टीके नहीं मिले हैं। हम कहते हैं टीके तो बाकी प्रदेश में आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, आप जैसे बाकी प्रदेश कर रहे हैं, आज हम भी 2 लाख एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक खत्म कर सकते हैं। हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000-60,000 रोज करेंगे तो ये काम आज चलता रहेगा। तो ये सूझबूझ अरविंद केजरीवाल को रखनी चाहिए। वो सूझबूझ रखने के बजाय राजनीति करने का उसका मानस है। अब इस तकरार को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी चुप नहीं रहे और सीएम मनोहर लाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य जान बचाना है, टीका नहीं। मनोहर सरकार पर निशाना साधते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा सरकार इस कोरोना काल में विफल साबित हुई है, अपनी नाकामी छुपाने के लिए वो अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है, केजरीवाल जी की सरकार कोशिश कर रही है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके लोगों को वैक्सीन लग जाए, दिल्ली के हर नागरिक के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाए। हम तमाम तरह से कोशिश कर रहे हैं, जितनी वैक्सीन हमको मिल रही है हम उनको फटाफट वैक्सीन लगा रहे हैं, ताकि जिसको भी वैक्सीन लग जाएगी कम से कम उसका स्वस्थ रहना, सुरक्षित रहना सुनिश्चित होने लगेगा। इस मकसद से काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी वाले अपने कोविड मैनेजमेंट के फेलियर को छिपाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को गालियां देते रहते हैं। पूरे देश में उनसे कोविड नहीं संभला, जब कोविड को संभालने की बात थी, जब वैक्सीन लाने की बात थी, जब वैक्सीन प्रोक्योर करने की बात थी, देश में वैक्सीन को ज़्यादा बनवाने की बात थी, उस वक्त तो इमेज मैनेजमेंट और चुनाव मैनेजमेंट में लगे रहे। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि आप जितनी गाली दे लो, लेकिन जब तक दिल्ली के हर आदमी के लिए दिल्ली में वैक्सीन नहीं आ जाएगी, अरविंद केजरीवाल जी इसी तरह से वैक्सीन मांगते रहेंगे। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब हरियाणा और दिल्ली सरकार आमने सामने आई हो। इससे पहले भी कई बार दोनों राज्यों में जमकर राजनीतिक बहस हो चुकी। महामारी के दौरान भी दोनों राज्यों ने एक दूसरे के खिलाफ खूब बयानबाजी की। दिल्ली में जब ऑक्सीजन की कमी थी तो सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाया कि खट्टर सरकार ऑक्सीजन टैंकरों को हरियाणा से दिल्ली नहीं आने दे रही। वहीं सीएम खट्टर ने केजरीवाल पर टैंकर चोरी का आरोप लगा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।